जनपद संभल के चंदौसी आवास विकास में स्थित संत गार्ड के पार्क में दिनांक 23 फरवरी 2021 दिन मंगलवार को स्वच्छता के जनक बाबा संत गाडगे जी महाराज का जन्मोत्सव समारोह धूमधाम के साथ मनाया जाएगा, जिसमें समस्त दिवाकर समाज के लोगों की गरिमा में उपस्थिति अनिवार्य है। निवेदक उमेश चंद्र दिवाकर तथा समस्त दिवाकर समाज चंदौसी। जनपद संभल के जिलाधिकारी संजीव रंजन द्वारा बहजोई के देहात ग्राम सभा विकासखंड बहजोई में आंगनवाड़ी केंद्रों से देसी घी एवं स्किम्ड मिल्क के वितरण का कार्य किया गया शुभारंभ। जनपद के 1800 आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से पंजीकृत लाभार्थियों को घी तथा दूध का किया गया वितरण। जनपद इटावा में अवैध शराब फैक्ट्री पर पुलिस ने छापेमारी कर 3 शराब माफियों को किया गिरफ्तार। फैक्ट्री से 25 पेटी अंग्रेजी अवैध शराब के साथ ही भारी मात्रा में केमिकल नकली रैपर को किया बरामद। पुलिस पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी। जनपद मुरादाबाद में शिवसेना ने किया अनोखा प्रदर्शन, कटोरा लेकर मांगी भीख। शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने कहा, भीख से जमा हुए पैसों को करेंगे पीएम फंड में जमा। पेट्रोल डीजल के दामों में निरंतर हो रही बढ़ोतरी के विरोध में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने किया अनोखा प्रदर्शन। बागपत में 2 चाट बालों में जमकर हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। बागपत पुलिस ने 8 लोगों को किया गिरफ्तार, ग्राहकों के लिए शुरू हुई थी लड़ाई। हाँ, ये कस्बा बड़ौत में 2 चाट की दुकानें थी, इनमें ग्राहकों को बुलाने के चक्कर में ये दोनों आपस में भिड़ गए और इनके बीच मारपीट हुई है और दोनों तरफ से तहरीर दी गई और तहरीर में दोनों के आधार में 8 लोग दोनों पक्षों से गिरफ्तार किए गए। इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और वहां पे लाइन ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। यूपी के बजट को लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार का बजट सच्चाई से दूर लफाजी का बजट है, इसमें चिकित्सा शिक्षा रोजगार की कोई बात नहीं है, यह बजट आम जनता के लिए निराशाजनक है। उत्तर प्रदेश सरकार का बजट आया है लगभग 5.5 लाख करोड़ रुपए का बजट। उस बजट को मैंने देखा और एक लाइन में अगर ये कहा जाए तो आदित्यनाथ सरकार का बजट लफाजी का बजट है, सच्चाई का बजट नहीं है। उत्तर प्रदेश का प्रथम पेपरलेस बजट हुआ पेश, यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने किया बजट पेश। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट पर कहा, वर्तमान बजट आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की भावना के अनुरूप है, इसमें हर घर नल, हर गांव सड़क, हर गांव डिजिटल, हर खेत पानी, हर युवा को रोजगार तथा हर जुल्मी को जेल का संकल्प छिपा है। जनपद संभल में जनपद न्यायाधीश के साथ जिलाधिकारी संजीव रंजन एवं पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा ने ली मॉनिटरिंग सेल की मासिक समीक्षा बैठक। जिला मुख्यालय बहजोई में हुई थी मासिक समीक्षा बैठक। एसपी रामपुर के निर्देशन में एंटी रोमियो टीम द्वारा मिशन शक्ति यूपी के अंतर्गत महिलाओं तथा बालिकाओं को उनकी सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के हेतु कानून और अधिकारों के प्रति किया जागरूक। 3 तलाक पर कानून बनने के बाद भी नहीं थम रहे 3 तलाक, दहेज के लोभी महिला से करते रहे मारपीट, पति ने दिया फोन पर 3 तलाक तो वहीं महिला ने देवर पर बलात्कार करने ऐसे संगीन आरोप भी लगाए हैं। मामला जनपद अमरोहा के थाना गजरवाला क्षेत्र का है। जनपद अमरोहा में एसपी सुनीत के निर्देशन में जनपद भर में एंटी रोमियो टीम ने चेकिंग अभियान चलाया, महिलाओं बालिकाओं को किया जागरूक, मंचनों को मौखिक तथा लिखित रूप से दी गई चेतावनी।